कैसे हो आप लोग? होप सो कि सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू क्रिप्टो ट्यूटोरियल। बच्चों का नया वीडियो है जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन विद इन 3 सेकंड कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दो ही डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अपन वीडियो के एंड तक मैं कुछ 3 डिजिट के भी एग्जाम्पल्स लेके आपको चीजें सिखाऊंगा कि 3 डिजिट के नंबर्स को भी आप विद इन 3 सेकंड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड इस ट्रिक को अच्छे से सीखिए एंड कोशिश करो कि कैलकुलेशन में इसको यूज भी करें। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये एग्जांपल है 42 × 48। आप जरा इसको ट्राई करके देखो विद इन 3 सेकंड। मुझे पता है आप बहुत जल्दी नहीं लिख पाओगे, बट अपने पास जो ट्रिक है उस ट्रिक को अगर यूज करेंगे तो मैं अगर लिखूं तो ये आपका आने वाला है 2016। इसकी अगर बात कीजिए ये 20 आ गया। अगर आप एग्जांपल की बात करो, मान लीजिए मैंने 33 ले लिया और यहाँ पे मैंने 37 ले लिया। इसकी अगर बात करो बच्चों ये 12 आएगा, 21 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे 62 है और यहाँ आपका 68 है, ये आपका 42 16। यानी कैसे कहते हैं, अब आप 5 × 4 करो क्या आ गया 20। तो 20 यहाँ लिखिए आप। ये जो 2 × 8 है ये इसका बनता 2 और ये जो 8 है आपका, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 यहाँ लिखिए। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ 5 चल रहा है आपका, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 5 चल रहा है, 5 से बड़ा नंबर लीजिए क्या आएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 5 दैट इज 30। यहाँ पे 4 चल रहा है और यहाँ पे 6 चल रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20। अगेन यहाँ पे ये 3 चल रहा है, 3 से बड़ा नंबर लीजिए क्या आएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 3 = 12, 3 × 7 यहाँ पे देखिए 6 चल रहा है, 6 से बड़ा नंबर लीजिए 7, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 6 = 42, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बस मल्टीप्लीकेशन यही है, इसलिए अपन चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि 9 ओनली लिखोगे क्या आ जाएगा 0। इसकी कुछ कंडीशन है कि जब भी आप ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आप देखो जस्ट आपको दिमाग में रखना है। कंडीशन ये है कि अगर इन सारे नंबर्स को आप ऑब्जर्व करो ना, इन सब का 10th डिजिट जो है वो आपका इक्वल दिख रहा है दोनों जगह, जैसे फर्स्ट नंबर और ये सेकंड, 10th डिजिट इक्वल दिख रहा है आपका, यहाँ भी 4 इधर से भी, ये देखिए दोनों का 10th डिजिट दोनों जगह इक्वल है आपका। यहाँ पे 5 है 10th डिजिट प्लेस पे, यहाँ भी 10th प्लेस पे 5 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ से 6 है और यहाँ से 6 आ रहा है, दोनों जगह से पे सेम डिजिट होने चाहिए 10th प्लेस में। पहली कंडीशन ये, तो कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या है दोनों का, इनका जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा दोनों जगह इनका सम 10 होना चाहिए, जैसे 2 + 8 = 10 हो गया आपका। यहाँ देखिए इस दोनों का सम आपका 10 होना चाहिए, ये चल रहा है आपका दोनों का सम 10 होना चाहिए, ये दोनों का सम आपका 10 होना चाहिए, ये दोनों का सम आपका 10 होना चाहिए, तब जाके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते। 1 है आपका, 1 से बड़ा एक नंबर लीजिए, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आ गया आपके पास, क्लियर, और 1 × 9, ये इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते इसी में। अगर मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर आ गया, जैसे एक नंबर लिया मैंने 102 और 108, ठीक है, पहले ये दोनों कंडीशन चेक करोगे तो दोनों का ये जो नंबर है वो तो सेम है और यूनिट डिजिट का सम आपका 10 आ रहा है, मतलब अपना शॉर्ट ट्रिक 10 से बड़ा एक नंबर लिया तो क्या आ गया 11 आ गया, तो 11 × 10 110, 2 × 8 दैट इज 60। या अगला लिखिए जरा 1137, ये 11 है आपका, 11 से बड़ा एक नंबर लीजिए 12, 12 × 11 क्या होता है 3 × 7 20। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस है, 123 × 127, 12 दोनों जगह 12 आ रहा है आपका और यूनिट डिजिट का सम आपका 10 भी,
कहीं ना कहीं गणित है। 12 इंटू 13 अगर आप करो दैट इज 156, 3 इंटू 7 अगर कीजिए दैट इज 20, ये आपका मल्टीप्लीकेशन का तरीका है। बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है एंड इसको मल्टीप्लाई करना, शॉर्ट ट्रिक की कंडीशन भी याद रखें ताकि आप सही एग्जांपल्स में इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकें। ऐसा नहीं कि ये वैलिड ही नहीं है और फिर भी अप्लाई करें। और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है टू डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब एक ऐसा जनरल मेथड है जिससे आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कहने के लिए सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।